नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। वर्ष 2020 अब से कुछ ही देरों बाद खत्म हो जाएगा। साल 2021 में हम सब प्रवेश करेंगे, लेकिन इस बीच चर्चा 2020 की करनी जरूरी है, क्योंकि 2020 एक ऐसा साल जब पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के जद में रहा। हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं रहा, बिहार में भी संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ देखा गया। बिहार में जिस तरीके से अस्पतालों की तस्वीरें संक्रमण काल में हम लोगों ने देखी है, वो तस्वीरें बिहार भूल नहीं सकता है। वो तस्वीरें 2020 की ही थी, लेकिन चर्चा जब हम करने जा रहे हैं 2020 की, तो सबसे पहले चर्चा बिहार के सियासत की हम करेंगे। बिहार के सियासत का सिकंदर 2020 में कौन रहा, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले सियासी नेताओं की बात करें तो सबसे पहला नाम तेजस्वी यादव का है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष है। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता थे वे। बिहार में सीएम फेस थे, लेकिन आंकड़ा नहीं जुटा सकी बहुमत का महागठबंधन। तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तेजस्वी यादव को लेकर जब चर्चा करने जा रहे हैं, तो इससे पूर्व आपको बता दें कि तेजस्वी आरजेडी चीफ व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के छोटे बेटे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने कैरियर की शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि क्रिकेट के पिच पर किया है। क्रिकेट के पिच पर छक्का चौका जमाने वाले तेजस्वी ने बिहार के सियासत में भी इस तरीके से अपना वर्चस्व बनाया, जिस तरीके से बिहार के सियासत के नब्ज को पकड़ा। तेजस्वी बिहार के इस वक्त सबसे बड़े विधायकों की हैसियत से पार्टी के नेतृत्वकर्ता हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनावी मैदान में उतरी। 144 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तेजस्वी यादव को लेकर जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस चर्चा की शुरुआत करें, इससे पूर्व आपको सीधे लिए चलते हैं लालू प्रसाद यादव की किताब गोपालगंज टू रायसिन्हा में। गोपालगंज टू रायसिन्हा में लालू प्रसाद यादव ने लिखा तेजस्वी यादव को लेकर कई बड़ी बातें। आरजेडी चीफ व तेजस्वी यादव के पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, तेजस्वी बचपन से ही आज्ञाकारी और विनम्र स्वभाव के बच्चे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने लिखा, रणजी ट्रॉफी और आईपीएल खेलने के दौरान तेजस्वी यादव जब भी क्रिकेट खेलने गए हैं, वो उनसे पैसे नहीं लिए। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने भी लिखा है कि सरल स्वभाव के लोग रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बातें उन्होंने भी लिखी है कि तेजस्वी यादव ने अक्सर ट्रेन और बसों से सफर की है, हवाई जहाज से बहुत कम सफर किया है। पैसे के अनुसार वे हवाई जहाज पर भी चढ़े। लेकिन जब बातें हम कर रहे हैं गोपालगंज टू रायसिन्हा की, तो तेजस्वी यादव के भाषण को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने आगे लिखा है, तेजस्वी यादव अपना भाषण तैयार करते वक्त वे अपने पिता से इसको लेकर जानकारियां नहीं लेते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बातें हैं, क्योंकि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासत में एंट्री मारने के बाद तेजस्वी यादव जब भाषण तैयार करते हैं, तब उन्होंने पिता से उसके लिए राय नहीं मांगी, खुद से तैयार किया है। अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 144 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में उतरी थी। आरजेडी ने 75 सीटें जीती और बिहार के सियासत के बाजीगर बन गए तेजस्वी यादव। साल 2020 के सबसे, कह सकते हैं कि सुपर किंग लीडर तेजस्वी यादव रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो तेजस्वी यादव के फॉलोइंग सोशल मीडिया पर भी किस तरीके से आपने देखा होगा, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तेजस्वी यादव को फेसबुक पर 17,46,222 लोग लाइक करते हैं। वहीं अगर बात हम ट्विटर की करें, तो ट्विटर पर भी तेजस्वी की फॉलोइंग कम नहीं है। ट्विटर पर भी तेजस्वी यादव की दीवानपन कम नहीं है। तेजस्वी यादव ट्विटर पर भी लगातार बिहार के सियासत को लेकर अपडेट रहते हैं। ट्विटर के जरिए वे निशाना बनाते हैं बिहार की नीतीश सरकार को। लेकिन जब बातें तेजस्वी यादव को लेकर हम कर रहे हैं, तो उनके फॉलोइंग आपको दिखाएंगे। 28 लाख लोग फॉलो करते हैं ट्विटर पर तेजस्वी यादव को। तेजस्वी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। फिलहाल
लेकिन चर्चा हम बिहार की सियासत की कर रहे हैं, 2020 की कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के सियासी मैदान में, यानी कि चुनावी मैदान। जब तेजस्वी मंच से दहार रहे थे तो देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी तेजस्वी को देखने के लिए, तेजस्वी को सुनने के लिए। जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल आए, बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनती हुई दिखी, लेकिन एग्जिट पोल बिहार में एग्जिट पोल नहीं हो सके, तेजस्वी सीएम नहीं बन सके, लेकिन बिहार में विधायकों की हैसियत से सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जरूर बनी है, तेजस्वी बिहार के सुपर किंग लीडर बने हैं। सबसे पहले एक और बात आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से बिहार की सियासत गरमाई हुई है, तेजस्वी उन तमाम सवालों पर चुप्पी साधने के साथ ही वे लगातार बिहार के मौजूदा हालात को लेकर बिहार की सरकार से सवाल करते रहे हैं। इससे पूर्व पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में राघोपुर से चुनाव लड़े, चुनाव जीतकर सदन तक पहुंचे थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। लेकिन फिलहाल जब बात 2020 की कर रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। हम आगे अगले नेता की चर्चा करेंगे, फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। आप अगर YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर कर लें, अगर आप Twitter पर देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए www.todaybiharnews.in लॉगिन करें। धन्यवाद।